इस बीच ईरान से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ऐसी खबर है जिसने इसराइल में तहलका मचा दिया है। ईरान ने अपने यहाँ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी है। ईरान ने आरोप लगाया है कि मोसाद का वो एजेंट उसकी जासूसी करके इसराइल को सारी खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। ईरान के सैक्शन से इसराइल से उसकी दुश्मनी और गहरी होना तय है। और ईरान ने यह धमकी भी दी है कि अगर इसराइल ने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो बहुत बड़ा धमाका होगा। अगर ईरान ने यह धमाका कर दिया तो उसकी मचाई हुई तबाही के आगे गाजा की बर्बादी भी बौनी साबित होगी। मरने वालों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया? ये धमाके तो बहुत छोटे हैं, बड़ी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर है। असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा ईरान। ईरान ने अगर बम फोड़ा तो वो दुनिया का आखिरी बम धमाका भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा। ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना नामुमकिन होगा। डर है कि ईरान सीधा परमाणु बम फोड़ेगा और वो परमाणु बम का टाइमर सेट कर चुका है। ईरान गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। गुस्से में उसने अपने दोस्त चीन से फोन पर बात की और साफ साफ कह दिया है कि इसराइल ने गाजा में अब हद पार कर दी है। उसने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है, इसलिए अब बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। در حمایت از غزه اقداماتی انجام داده میشه و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه هر آن امکان یک انفجار غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل در منطقه وجود داره. این چیزی است که آمریکایی‌ها تا امروز درک نکردن و چنانچه درک نکنن پیامدهای اون دامن آمریکا رو هم قطعاً خواهد. ईरान के विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाका शब्द का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे तमाम पश्चिमी देश खौफ से भर गए हैं। सब सोच में पड़े हैं कि ईरान किस धमाके की बात कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है। डर जताया जा रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बना लिया। ईरान करीब दो दशक से चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है, मगर ये बात वो मानता नहीं। वो कहता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हथियारों से कोई लेना देना नहीं, उसका परमाणु कार्यक्रम एकदम शांतिपूर्ण है। मगर करीब छह साल पहले इसराइल ने बाकायदा सबूतों के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भंडा फोड़ दिया था। एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट चुपके से ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक खुफिया ठिकाने में घुस गए थे। वहां उन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें ईरान के परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने अपना एक परमाणु प्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिसाइलें भी उसे भेद नहीं सकती। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी सुरंगें। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी ईरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है
कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल्द अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम की जांच कर रही है संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का तो दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमाणु बम बना डालेगा। ये दावे डरावने हैं क्योंकि जब से हमास ने इसराइल में घुसकर हमला किया है तब से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का ध्यान हटा हुआ है। ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें नहीं हटती थी वो युद्ध की रिपोर्टिंग में लगा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे अमेरिका और इसराइल जंग में उलझे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इसी बात का फायदा उठाकर चोरी छिपे धड़ल्ले से परमाणु बम बनाने में लगा है। सवाल ये है कि क्या 7 अक्टूबर को हमास से इसराइल पर हमला करवाना ईरान की सोची समझी साजिश का हिस्सा था ताकि वो पश्चिमी देशों का ध्यान हमास में भटकाकर आराम से अपना परमाणु बम बना सके? क्या बीते 2 महीने से ईरान परमाणु युद्ध की प्लानिंग कर रहा है? ईरान ने यूं ही तो धमाके की धमकी नहीं दी होगी, जरूर उसके हथियारों के जखीरे में ब्रह्मास्त्र आ गया है। ईरान की धमकी का मतलब है पत्थर की लकीर, अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बल्कि सीधा अटैक करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से ये भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है, अभी तो बस लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं, आगे चलकर कई और देश इस जंग में कूद जाएंगे। ऐसे में अगर इसराइल ने अब भी हथियार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्फोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिम एशिया तबाह हो जाएगा। फोन पर चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इसराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए। मगर ईरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाए बैठा है, वो पहले ही 2 टूक कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इसराइल है, इसलिए जब इसराइल नक्शे से मिटेगा तभी पूरी दुनिया में शांति आएगी। ईरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है, अब तक उसने इसराइल के खात्मे की बस दुआ की है, इसराइल को धमकियां दी हैं और हमास और हिजबुल्ला से उस पर हमले करवाए हैं, मगर कभी इसराइल से जंग के मैदान में सीधे सीधे 2-2 हाथ नहीं की। ऐसे में अब अगर ईरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इसराइल से पहली और आखिरी जंग भी साबित हो सकती है। ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो ईरान या फिर इसराइल को मिट्टी में मिलाने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने का मतलब होगा 3रा विश्व युद्ध जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इसराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम, ऐसी टीम जिसमें ईरान तो होगा ही, उसके साथ होगा चीन और उन दोनों का दोस्त रूस भी। अगर ये युद्ध हुआ तो शायद दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि इन सभी देशों के पास दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरनाक परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5,224 परमाणु बम है और उसके साथ ही इसराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, उसके परमाणु बमों की संख्या 5,889 है, यह आंकड़ा अमेरिका के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा है। वहीं चीन के पास 410 परमाणु बम है। ऐसे में अगर अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश और दिमाग की गर्मी में परमाणु बम चलाने का फरमान पास हो गया तो तबाही मच जाएगी।